नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम नवादा के निवासी गुंजन सिंह, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार, मगही के सुपरस्टार गायक स अभिनेता हैं, और उनका आज नया घर का गृह प्रवेश होने वाला है। खेमनी चक फोर्ड अस्पताल के जस्ट पीछे इनका नया मकान बना है और आज ही गृह प्रवेश हो रहा है, पूजा भी चल रही है। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि कैमरामैन दिखाने ऊपर दिखाइएगा जरा, अब देख रहे हैं कि कितना शानदार तरीके से घर को सजाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से, एकदम फूलों से, एकदम और बड़ा सुंदर नकाशी से घर को बनाया गया है। और आपको घर एंट्री करवाते हैं, आप देखिएगा सबसे नीचे का जो बेसमेंट है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी उपस्थित है। पूरा ये शानदार, आप देखिए ऊपर फोर सेलिंग का जो काम है बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, और लोगों को ठंडा और कूल रखने के लिए यहाँ दो दो एसी भी लगाया गया है, कूलर लगाया गया है, और अभी भी काम चल ही रहा है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ गुडू भैया, हमारे शंकु जी, मिनी इंटरटेनमेंट और फटाफट न्यूज के जो मुख्य व्यक्ति हैं, सन्नी जी बाकी कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये गुंजन जी का बेसमेंट है, गाड़ी वाड़ी लगाने के लिए यहाँ इसको बनाया गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ कमरे हैं, बाथरूम भी है, और यहाँ से सीढ़ी शुरू होता है और सीढ़ी ऊपर तक फोर्थ फ्लोर तक जाएगा। और हम आपको चारों फ्लोर दिखाएंगे कि कितना शानदार तरीके से ये घर बनाया गया। और जो मार्बल आप नीचे देख रहे हैं वो पूरा इटालियन मार्बल है। और इस घर का लागत, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं और बताया जाता है कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये का ये लागत से घर बना है। और देखिए यहाँ पर पूजा भी चल रहा है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़े और दिखाएं कि गृह प्रवेश के लिए अभी पूजा जारी है, चल रहा है। अभी शाम का 6 बजने वाला है, गुंजन जी पूजा कर रहे हैं। थोड़ा जूम कर दीजिए गुंजन जी पे। और ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में ऊपर आप फोर सेलिंग देख रहे हैं, कितना जबरदस्त सीढ़ी उड़ी बनाया गया है। आइए इधर आइए, अब देखिए सेकेंड फ्लोर पर हम जा रहे हैं। और सही है, हमारे हैं मोनू मयंक भाई, ठीक है, बहुत गुंजन जी के करीबी व्यक्ति, जमशेदपुर जाइए तो इनको याद कीजिए। हाँ सॉरी, बाबा धाम देवघर में। चलिए आइए ऊपर आइए। और अभी शाम होने को है, लाइट की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने के लिए। आपको ये भी बता दूं कि हालांकि 4 फ्लोर है तो उसके लिए लिफ्ट का भी इंतज़ाम किया गया है, हालांकि अभी लगा नहीं है लेकिन लिफ्ट लग जाएगा। और ये देखिए सेकेंड फ्लोर पर है, इसमें भी काम जारी है, अभी फैन लग चुका है। ये क्या भैया, एसी है, एसी है, देख रहे हैं अभी लगना बाकी है। आइए इधर जरा कमरा दिखा दीजिए, ये देखिए कमरा है, ये भी बहुत सुंदर है। और कमरे को दिखाते हुए आप इधर आएंगे गैलरी में, और गैलरी से ये देखिए पूरे गैलरी में आगे शीशा लगाया गया है और सामने बहुत अच्छा लग रहा है, फूल उल सजा दिया गया है, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है ये। चलिए अब ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाते हैं जरा। अभी इसमें काम चल ही रहा है, बहुत सारा चीज़ बाकी है, एसी वेसी लगना बाकी है। इधर देखिए बहुत सारा सामान भी लगता पड़ा हुआ है, काम चल रहा है। तो अभी हम थर्ड फ्लोर की ओर जा रहे हैं और देखिए पूरा सीढ़ी को शीशा से कवर किया गया है। यहाँ बच्चे लोग भी कुछ हैं और देखिए ये ऑफिस टाइप का बनाया गया है लोगों को बैठने के लिए, उठने के लिए। और यहाँ पर सोफा वोफा लग चुका है, टीवी का जगह छोड़ा गया है, यहाँ बेसिन है, अब दिखाएंगे ये बेसिन, बहुत सुंदर बेसिन है। पानी निकला था? हाँ पानी निकल रहा है। और ये इधर भी बाथरूम है, ये बंद है लगता का, कोई गया हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। ये भी एक रूम है, आइए इसमें बहुत लोग सोए हुए भी हैं, दिखा दीजिए ये कमरे को जरा। चलिए इस तरह से एक बगल में और कमरा है, बहुत ही सुंदर ढंग से बाहर के कारीगर आकर इसको बनाए हैं। और अब हम लोग फोर्थ फ्लोर की ओर जाएंगे।
और सारे मतलब जो भी सीढ़ी है सब सीढ़ी पर जो मार्बल लगाया गया है वो ब्लैक और इटालियन मार्बल। यहाँ तक देखिए अभी फोर्थ फ्लोर में काम बहुत सारा बाकी है, हालांकि यहाँ पर जिम क्या योजना है, यहाँ पर जिम लगाया जाएगा कि अपना ही घर में जिम रहेगा, स्टूडियो रहेगा, और इसीलिए भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। अब आज पूजा का डेट है इसलिए पूजा करके फिर कुछ दिनों बाद से यहाँ से काम लगाया जाएगा। और इस फ्लोर पर जिम और एक स्टूडियो, दो चीज़ बनाने की योजना है। अभी यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ज़्यादा कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऊपर का डिज़ाइन नीचे से चारों तरफ से बिल्कुल अलग है। अब ऊपर चलते हैं ज़रा, लास्ट टेरिस छत पर, ये देखिए बड़ा सुंदर लग रहा है। और छत पर से आपको दिखाते हैं पटना का खूबसूरत नजारा, खेमनी चक का, जो कि फोर्ड अस्पताल के पीछे, ये देखिए ये हो गया गुंजन जी का छत। यहाँ पर आप पानी वानी लगता है जमा हुआ है, नल लगता है ख़राब है यहाँ पर। आगे आइए, ये दिखाइए इसको, ये देखिए पटना का नज़ारा बहुत ही शानदार खूबसूरत। और नीचे दिखाइए, अभी तैयारी चल रहा है, सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं, अभी बहुत लोग आना जाना लगा हुआ रहेगा। तो ये गुंजन जी का घर था जो अभी आपको दिखा रहे थे, भोजपुरी और मगही के सुपर स्टार गायक सह अभिनेता गुंजन सिंह। धन्यवाद।